हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा की रसोई। अगर आप नॉर्मल दाल खा के बोर हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रेस्टोरेंट और ढाबे का दाल तो हर किसी को पसंद है, पर घर में बनाए हुए दाल में वो टेस्ट नहीं आता। तो चलिए आज मैं बताती हूँ वो सीक्रेट जिसे आराम से आप घर में बना सकते हो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा दाल फ्राई। तो चलिए चलते हैं मेरे रसोई में। दाल फ्राई बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए रहर की दाल और मूंग दाल। इसे हम मेजर करके लेंगे। जैसे कि आपने एक कप रहर दाल लिया है तो आधा कप आपको मूंग दाल ले लेना है। इसे हमें एक बर्तन में लेके अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है जिससे दाल की सारी गंदगी निकल जाए। वॉश करने के बाद हम दाल को डाल लेंगे कुकर में। इसमें हम डाल लेंगे 2 से 3 गिलास पानी, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी और कुछ खड़े मसाले जिसमें मैंने लिया है तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी और इलायची। 1 चम्मच घी डाल लेंगे और थोड़ा सा घी हम इस तरीके से ढक्कन पे भी लगा लेंगे, इससे आपका दाल बाहर नहीं आएगा। कुकर का ढक्कन लगा के इसमें हम लगा लेंगे 3 से 4 सीटी। तो चलिए अब कर लेते हैं तड़के की तैयारी, जिसके लिए हमें चाहिए हींग, कुटा हुआ धनिया, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है दाल में, जीरा, लहसुन, अदरक, 2 से 3 कटे हुए प्याज, 2 सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, 3 से 4 टमाटर। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब हम कढ़ाई में डाल लेंगे 3 से 4 चम्मच घी। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, पर घी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम डाल लेंगे हींग, जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, कुटा हुआ साबुत धनिया, लहसुन, अदरक। इसे अच्छे से ब्राउन होने के बाद अब हम डाल लेंगे हरी मिर्च और कटा हुआ प्याज। इसे हम भून लेंगे। प्याज जब हल्का पिंक हो जाए तो भी इस पर डाल लेंगे कटे हुए टमाटर। 2 मिनट भूनने के बाद तो चलिए अब डाल लेते हैं हम सारे मसाले। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और देगी लाल मिर्च। इससे दाल में काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा। हल्का पानी डाल के इसे हम 5 मिनट भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए अब डाल लेते हैं अपना बॉईल किया हुआ दाल। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट बॉईल करने के बाद अब हम तैयारी कर लेते हैं अपने फाइनल तड़के की। यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा घी। इसमें डाल लेंगे सूखी लाल मिर्च और जीरा। अब मैंने डाल लिया है इसमें कुछ कटे हुए लहसुन और देगी लाल मिर्च। इस तड़के को मैं डाल लूँगी अपने दाल में। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये। इसे हम गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ। तो लीजिए, बन के तैयार है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई। इसे मैंने सर्व किया चावल के साथ। आप देख सकते हो ये देखने में कितना सुंदर और कितना यम्मी लग रहा है। आप भी इसे घर में बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो और ऐसे ही यम्मी सी डिशेज आप आगे देखना चाहते हो तो प्लीज़ नेहा की रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको मेरी ये दाल कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।